हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं एपिसोड 5 शूट करने, जो कि हमारा प्लेसमेंट सीरीज जो कि चल रहा है। आज हमने इनवाइट किया है हमारे स्पेशल फ्रेंड सौरभ जैन, जिन्होंने रिसेंटली मीशो जैसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट ग्रैब किया है। आज इनकी जर्नी अपन जान रहे होंगे, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सौरभ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ जैन एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। करेंटली आई एम परसूइंग माय बीटेक फ्रॉम SBNIT एंड आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपने सोच लिया था कोडिंग करना है, क्या थी आपकी स्टोरी कोडिंग करने की? कॉलेज स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपन 2020 वाले बैच वाले बच्चे हैं, जिनका स्टार्टिंग है 3 सेमेस्टर जो है कोरोना ऑनलाइन। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली इतना कुछ पता नहीं था कि कोडिंग वगैरह क्या होता है, लेकिन जब सेकेंड ईयर आया तो मेरे 12th कोचिंग के जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि ऐसे कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके साथ ऐसे करते हुए जो है। कौन सी कॉलेज के फ्रेंड्स थे आपके? अभी वो रिसेंटली जो है IIT खड़गपुर में पढ़ रहे हैं दोनों, IIT खड़गपुर। तो उनके साथ जो मिलकर मेरे सेकेंड ईयर में थोड़ा DSA का बेसिक वगैरह और जो अपने कॉलेज के सीनियर थे उनकी गाइडेंस में मैंने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट जो स्टार्ट किया। वहां से आपने स्टार्ट किया, मतलब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से आपने? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी मेनली अपन इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो मेन सेक्शन होगा इस इंटरव्यू का कि कब मीशो कंपनी आई थी अपने कैंपस में हायर करने के लिए और उनका हायरिंग प्रोसेस क्या था। तो मीशो कंपनी जो अपने अगस्त के स्टार्टिंग में आई थी, तो स्टार्टिंग में वो अपने TNP से मेल आया था, उसका जो फॉर्म वगैरह फिल करना था, अपनी सारी डिटेल वगैरह देनी थी। उसके बाद अराउंड 2-3 दिन बाद इसका कोडिंग राउंड था। तो मेनली जब भी किसी कंपनी का जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, लेकिन मीशो में ऐसा कुछ था नहीं। मीशो में ओनली जो है कोडिंग राउंड था, कोडिंग उन्होंने बेसिकली 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें मेनली ग्राफ का क्वेश्चन था, सेकंड जो है DP का था और थर्ड क्वेश्चन जो है डिजाइनिंग प्रॉब्लम उन्होंने दी। ग्राफ, DP और डिजाइनिंग प्रॉब्लम, तीनों का लेवल क्या था क्वेश्चन का? मीडियम टू हाई। तो अच्छी खासी DSA कर रहा था। कितने ड्यूरेशन क्या था टेस्ट का? 120 मिनट का ड्यूरेशन था। 3 DSA के क्वेश्चन इनको पूछे गए थे जो प्रॉपर कोड करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला राउंड आपने दिया, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था राउंड के लिए? 100 प्लस बच्चों ने जो है अप्लाई किया, 200। तो क्या ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल थी? अराउंड ECE और CS और इलेक्ट्रिकल, 3 ब्रांच के लिए ओपन थी, ECE, इलेक्ट्रिकल, CS। ओके, तो 200 लोगों ने अप्लाई किया जैसा कि आपने बताया, तो कितने लोगों ने राउंड 1 क्लियर किया था? स्टूडेंट्स ने जो क्लियर किया था 40 लोगों ने राउंड 1 टेस्ट। तो कितनी देर में रिजल्ट आया था और अगले राउंड वगैरह का क्या प्रोसेस था? राउंड जैसे सुबह जो है इसका कोडिंग राउंड हुआ था, तो शाम तक जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, शाम तक रिजल्ट। अगले दिन जो है इसका जो टेक्निकल राउंड इंटरव्यू था, अगले ही दिन आपका इंटरव्यू वगैरह था। तो कितने राउंड हुए थे इसके इंटरव्यू के? इंटरव्यू के 2 राउंड थे। 2 राउंड दोनों टेक्निकल हुए थे? हाँ, दोनों सेकंड वाला टेक्निकल का था, पहला पूरा टेक्निकल टेक्निकल प्लस HR। ठीक है, तो चलो अब टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला राउंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू था, उसमें क्या था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली एक शॉर्ट में बता। तो बेसिकली जब भी कोई फर्स्ट राउंड जो था इंटरव्यू का, तो उसमें नॉर्मली जो है DSA क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, कुछ CS फंडामेंटल, तो मेनली मैं उसकी तैयारी करके गया था। लेकिन जैसे मैं राउंड इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए सरप्राइज है, आप हम आपसे DSA पूछेंगे, अब आपसे जो है CS फंडामेंटल पूछेंगे, यानी बेसिकली रटे रटाई क्वेश्चन हम आपसे नहीं पूछेंगे। उन्होंने एक जो है मुझे e-commerce की डिजाइनिंग का प्रॉब्लम दे दिया और अराउंड 1.5 घंटे का टाइम दिया जिसमें मैं उसको कर सकता था। तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा जो है घबरा गया था कि मैं कैसे सोल्व करूंगा, लेकिन इंटरव्यूअर वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मेरा पूरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में पूरा सपोर्ट किया। तो मेनली बेसिकली मैंने 2-3 बार क्वेश्चन रीड करा, उनसे थोड़े डाउट पूछे कि मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी। तो मेनली डिजाइनिंग क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे उसके कंसेप्ट क्लियर है और हमने DSA अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो हम वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू ने मेरी बहुत हेल्प की थी, वो अराउंड एंड में मेरा 1 ओवर के समथिंग में क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से 1-2 बोनस क्वेश्चन पूछे थे, तो क्वेश्चन सबको याद है। हाँ, क्वेश्चन से e-commerce से रिलेटेड था, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें आपको एक प्रोडक्ट की जो है क्लासेस बनानी है, जिसमें आपके पास पूरे प्रोडक्ट रहेंगे और एक प्रोडक्ट बनानी है, ताकि जो है आप प्रोडक्ट के थ्रू जो है उन प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो मेनली क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। तो ये आपका 1.5 घंटे का था और 1 घंटे में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद जो है बाकी का आधा घंटा मेरे बोनस क्वेश्चन पे चला।
आधा घंटा और बोनस क्वेश्चंस वो भी इन ओके। तो ये अपना राउंड वन टेक्निकल इंटरव्यू जो था यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अगले इंटरव्यू के लिए कैसे पता चला कि कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मेनली मेरा तो अराउंड 20 मिनट बाद जो है सेकंड राउंड का कॉल आ गया। अच्छा, कॉल आ गया था, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था हमारा मित्रों का, तो उसमें अराउंड 20 मिनट बाद जो है मुझे कॉल आ गया था कि आपका जो है सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई। तो वो 20 मिनट बाद आपका स्टार्ट हो गया था? हाँ, मतलब अराउंड 20 मिनट बाद। ठीक है, तो चलिए सेकंड राउंड की ओर बढ़ते हैं, जो कि टेक्निकल प्लस एचआर जैसा कि उन्होंने बताया, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? एचआर राउंड में मेनली सबसे पहले उनका कोई डिसाइडेड नहीं था क्या पूछना है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हम आपसे थोड़े प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा डीएसए से पूछेंगे और थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन मेनली जो है मेरा इंटरव्यू अराउंड 1 ओवर 15 मिनट का था, जिसमें से आधा घंटा मेरा डीबीएमएस पे गया। अच्छा, तो मेनली उन्होंने मेरे से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हाँ, वो क्वेश्चन एक बार अच्छे से बता देना। हाँ, उन्होंने मेरे से जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एक टॉपिक होता है डीबीएमएस में, तो उसके रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझे राउटिंग से रिलेटेड, जो हम स्केलिंग में जो हम राउटिंग करते हैं कि कैसे हम जो है डेटाबेस, दो डेटाबेस को जो एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी राउटिंग लेयर का तुम कोड कैसे लिखो गए, उससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो अराउंड मेरा आधे घंटे का ड्यूरेशन जो उसमें गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, मेनली मैंने दो प्रोजेक्ट बना रखे थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम जो है किस के ऊपर कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने मेनली मेरे से जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मेरा जो है फूड वेबसाइट थी, फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे इसकी स्कीम बनाई, तुम्हें आइडिया कहाँ से मिला, और मान लो तुम अगर इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते हो तो तुम्हें और क्या क्या टेक्नोलॉजी तुम इसमें लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन। ओके, तो सेकंड राउंड में स्टार्टिंग में आपका प्रोजेक्ट्स वाले क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन चले। उसके बाद उन्होंने मेरे से दो मेनली डीएसए के क्वेश्चन, तो एक डीएसए का क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है वो था कि जो हम कंप्यूटर में जो अंडू रीडू का जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? तो मेनली वो हम जो है डब्ल्यू लिंक से भी कर सकते हैं और एक टेक के थ्रू भी। मैंने दोनों आंसर वहाँ पे दिए थे तो वो सेटिस्फाई हो गई थी। उसके बाद एक और डीएसए का क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी नॉर्मल ही था, नॉर्मल। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से जो नॉर्मल एच आ रही है जो क्वेश्चन होते हैं कि तुम अभी जो रिसेंटली जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तुम उसको एडॉप्ट कैसे करोगे, और ऐसा मैंने AIML किया नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से एक दो क्वेश्चन AIML के पूछे। मतलब मेनली उस राउंड में बस वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैं नया क्वेश्चन तो कोई रिजल्ट डायरेक्टली मना नहीं करे, लेकिन एक अप्रोच, मतलब उनको पूरा ये नहीं चाहते कि करेक्ट आंसर दो, मतलब तुम थिंकिंग कितनी कर पा रहे हो। और एचआर के और कोई क्वेश्चन पूछे? एचआर के उन्होंने ये पूछे कि आप जिसको ज्वाइन तो करना चाहते हो। हाँ, मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी कंपनी को ज्वाइन करना, तो ये क्वेश्चन जो है हम पहले से देख दिखा के जाते हैं कि एचआर एचआर में जो है मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेनली बस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मेरे से। ये कितनी देर चला था आपका सेकंड? ये अराउंड लगभग 1 ओवर 15 मिनट। ओके, तो यहाँ पर इनका सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। तो कैसा आपकी तरफ से क्या फीडबैक था, कि आपको लग रहा था कि आपका हो जाएगा? ऐसा था कि फर्स्ट राउंड मेरा बहुत अच्छा गया था, 20 मिनट में कॉल आ गया था, और सेकंड राउंड के बाद भी मेरा जो इंटरव्यू था उन्होंने थोड़ी तारीफ की थी कि आपका अच्छा गया है, कि आपने आपकी टेक्नोलॉजी के प्रेप अच्छी है, तो मेरे को लग रहा था कि हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं स्पेशल क्वेश्चन जो कि होता है सबके लाइफ का। जब लिस्ट आई फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग की, आप कहाँ पर थे जब आपने देखा, उसका क्या रिएक्शन था आपका? ऐसा था कि जब मेरा सेकेंड राउंड खत्म हुआ, तो हमारा से 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, तो ऐसा हुआ कि हम एक दोस्त की है रूम की बालकनी में बैठे रहे, रात में लिखा रिजल्ट आया, आधा रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, पूरे टाइम हम वेट करते रहे, लेकिन रात को जो रिजल्ट तो आया नहीं, तो हम सब लोग चले गए। उसके बाद जब सुबह में उठा, तो मैं ऐसे ही मेरे एक कॉलेज कोचिंग फ्रेंड वाले दोस्त से बात कर रहा था, तो तभी एक दोस्त का फोन आता है, बोलता है भाई लिस्ट आ गई, तो मुझे बताया नहीं कि नाम आया नहीं आया, मुझे ऐसे ग्रुप खोल के देखा तो नाम आया, तो खुशी थी। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई यार, तो बहुत अच्छा लगा होगा जब नाम देख के, बहुत खतरनाक खुशी, क्योंकि आप स्ट्रगल काफी, प्लेसमेंट बहुत आसानी से नहीं मिलती, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे, आपने कितने कंपनीज में अप्लाई वगैरह किया था? हुआ ही होता कि मैंने जो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, और जो सेकंड ईयर के बाद जो समर वेकेशन आता है, उसमें मैंने जो डीएसए सीट वगैरह थी वो अच्छे से प्रिपेयर भी की थी, लेकिन हुआ यूँ की ऑनलाइन बच्चों की सीजी बहुत ज्यादा थी, तो मेरी सीजी इतनी थी नहीं, तो इंटर्नशिप में मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था। इंटर्नशिप में मेरे को नहीं मिली, लेकिन फिर मेरे एक दो दोस्त थे उनके साथ मैंने मिलकर पूरे थर्ड ईयर में
अच्छे से डीएसए के कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से हमने दोनों ने मिलकर अच्छे से कॉम्पिटिशन होता ना दोनों हमने जो है पूरे थर्ड ईयर में अच्छे से डीएसए की प्रिपरेशन की, स्ट्रॉन्ग बनाया आपने। उसके बाद तो मेरी इंटर्न लगी नहीं थी, तो उसके बाद फिर मैंने जो है बाहर ऑफ कैंपस से किसी एक स्टार्टअप में जो एक डेढ़ महीने की इंटर्न की थी, उसके बाद मैंने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया थर्ड ईयर से समर वेकेशन के बाद जैसे हम आए तो प्रिपरेशन तो अच्छी थी तेरी, बस एक यही था कि लक फैक्टर हो रहा हूँ हर बार लास्ट तक पहुंच कर भी रिजेक्ट हो जाते थे कभी कभी। वही थी उसके बाद जो है सेकेंड या थर्ड कंपनी थी अपने मीशो, तो उसमें हाई लक लग गया। ठीक है चलो, बहुत एक अच्छी इनकी जर्नी थी, मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी आई होप पसंद आई होगी। अब अपन अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और आखिरी दो क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, उसके बाद इंटरव्यू एंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको उनके पास डायरेक्शन नहीं है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, किन प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करी थी, कहाँ से सीखी थी चीजें, एक बार शॉर्ट में बता दो। तो प्लेटफॉर्म का ऐसा है कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करना स्टार्ट करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, जैसे तुमने मान लो जीएसडी पे स्टार्ट करा तो जीएसडी पे करते रहो, किसी को देख के ऐसा नहीं कि मैं लीडकोड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, गोल शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त से दोस्त ऐसे जिन्होंने जीएसडी से फुल प्रिपरेशन करी, उनकी आज अच्छे कंपनी में जो है प्लेसमेंट है, दोनों ने लीडकोड से भी करा, तो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारी कंसिस्टेंसी, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे पूरे टाइम तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। और रही बात इंटर्न की, देखो मेरे ग्रुप में बहुत से बंदे ऐसे जिनकी इंटर्न नहीं रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेसमेंट अच्छी मेहनत करी तो लग गई। तो मेनली जो मैटर करता है वो होता है तुम्हारा ग्रुप, अगर तुम्हारा सर्कल जो अच्छा है, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं जो कोडिंग वगैरह तुम्हारी हेल्प करते हैं तो तुम अच्छे से क्रैक कर लोगे। कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे आपने? हाँ यूट्यूब चैनल मैंने जो है फॉलो किए थे, कमन अग्रवाल था, अमन अग्रवाल था, जैसे कोडिंग से जो भी क्वेश्चन पूछे वो मैंने। ठीक है, तो YouTube वगैरह से और GFG पे आपने प्रैक्टिस किया है? ओके ठीक है, आप भी कर सकते हो, कुछ भी होता है तो इनको मैसेज कर सकते हो, इनके इंस्टा आईडी में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब लास्ट क्वेश्चन अपना, जो अपन ने सबको पूछा कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं ऑडियंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले जूनियर से मेनली, तो वो लोग अगर प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करेंगे तो क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा कि किस तरीके से तैयारी की जाए? मेनली मेरा मैसेज तो यही हुआ कि सबसे पहले अपने जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त अगर अच्छा खासी कोडिंग कर रहा है तो आप भी उसके लेवल तक बनना टाइम लगेगा थोड़ा, अगर आप बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करते जाओगे तो टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छे से जो है वो कंसेप्ट को ग्रैप कर पाओगे। अभी मेरे बहुत से दोस्त लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और एक दोस्त ऐसे जिन्होंने जो है थर्ड ईयर से स्टार्टिंग में प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी लेकिन उन दोनों का प्लेसमेंट जो है सेम कंपनी में हुआ, मतलब ये नहीं है कि अगर लेट स्टार्ट कर दिया तो आपका नहीं हुआ, डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अगर आप एक कंसिस्टेंसी और एक मैटर होता है कि आपका सर्कल कैसा, अगर आप ऐसे दोस्त लोग बनाए और अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी तो आप अच्छे से क्रिएट करेंगे। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी है कि कम, अगर आप लेट होते हो, अगर आपको पता है कि मुझे ज्यादा चीजें करनी है, टाइम कवर करना है और आप फुल डेडिकेशन के साथ करते हो तो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सौरभ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी अपन और भी अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले एपिसोड का वेट करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।